दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में रामायण का अत्यंत महत्व है। ग्रंथों में रामायण के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के किस्से सुनने को मिलते हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण जी और पवन पुत्र हनुमान के अलावा रावण का एक अहम योगदान है। अगर रावण नहीं होता तो इस पूरे ग्रंथ का निर्माण ही नहीं होता, इसीलिए इसमें रावण का विशेष महत्व है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण का जन्म कैसे हुआ? और अगर नहीं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि राक्षस रावण के असली माता पिता कौन थे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल हरि भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुकेश नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसके तीन बड़े ही बलवान पुत्र थे जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान मांगा था कि हम तीनों भाइयों का प्रेम अटूट बना रहे और हमें कोई पराजित ना कर सके। ये वरदान पाते ही तीनों भाइयों ने सभी को सताना शुरू कर दिया और भगवान विश्वकर्मा को भी अपने वश में कर दिया। वश में करने के बाद तीनों भाइयों ने विश्वकर्मा जी से सुंदर सी जगह का निर्माण करने को कहा और विश्वकर्मा जी को विवश होकर अपनी बनाई हुई लंका नगरी का पता देना पड़ा। पता मिलते ही यह तीनों अपने परिवार के साथ लंका पहुंच गए, जिसके बाद इन तीनों के 21 पुत्रों ने धरती पर ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। इस समस्या से परेशान होकर सभी ऋषिगण अपनी जान बचाते हुए विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा, प्रभु हमें इन राक्षसों से मुक्त कराएं। जिसके बाद भगवान विष्णु ने ऋषियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह जल्द ही इन सभी राक्षसों का नरसंहार करेंगे। जब इन राक्षसों का यह बात पता चली तभी सारे दुष्ट राक्षस क्रोधित होकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। जैसे ही भगवान विष्णु को उनके आक्रमण का पता चला तो भगवान विष्णु उनका श्रृंगार करने के लिए आ गए। युद्ध में भगवान विष्णु ने माली सहित सारे राक्षसों का अंत कर दिया। इसके बाद माल्यवान भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान विष्णु ने माल्यवान के साथ सभी राक्षसों का अंत कर दिया और इस युद्ध में जब तीनों भाइयों के सभी पुत्र मारे गए और ये सब बात जब सुमाली को पता चले तो वह डर के मारे लंका को त्याग दिया, जिसके बाद से लंका पर भगवान कुबेर जी का राज हुआ। लेकिन सुमाली अपने पुत्रों और भाइयों की मौत से बहुत दुखी था, जिसके बाद सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि तुम महर्षि विश्वास के पास जाओ और उनसे पुत्र प्राप्त करो। अपने पिता की आज्ञा मानकर कैकसी ऋषि विश्वास के पास पहुंची। तभी अचानक ही जोर से आंधी चलना शुरू हो गई और आसमान में बिजली कड़क रही थी। कैकसी ने विश्वा ऋषि से कहा, मुझे आपसे पुत्र प्राप्त करना है। विश्वा ऋषि ने कैकसी से कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी तो कर दूंगा, लेकिन वातावरण यह संदेश दे रहा है कि इस समय जो पुत्र होगा वह बड़ा ही दुष्ट होगा। जिसके बाद कैकसी ने कहा कि मैं आप जैसे महात्मा से दुष्ट संतान प्राप्त नहीं करना चाहता। तब विश्वा ऋषि ने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और महात्मा प्रकृति का होगा। इस तरह से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो यह वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव।